जी, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल मनीष रावत व्लॉग्स। आज सुबह बहुत ही बढ़िया हो रखी है। कल भाई तो ये गजब बारिश हो रही थी, मुझे तो लग रहा था कि हमने आज जहाँ जाना है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मुझे लगा वो आज पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो आज अच्छा दिन है, मिक्स रिएक्शन है, बारिश हो रही है, धूप आ रही है और मैं और सुरभि रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं हॉबिटन के लिए। हम लोग जा रहे हैं अभी मटा और वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे गाइडेड टूर। हमने ना टिकट बुक करा रखी ऑलरेडी और ये जो टिकट है ये हमको पड़ी है कुछ $89 की एक बंदे की। एक ना ऐप आती है क्लूक करके, आप उससे बुकिंग करा सकते हो। वैसे ना ये वाली ऐप बहुत सही होती है क्लूक, इसको अगर आप डाउनलोड कर लो और किसी भी कंट्री पे जा रहे हो ना बाहर घूमने फिरने के लिए तो बढ़िया डिस्काउंट मिल जाते हैं। इनफैक्ट मैं थाईलैंड भी जब गया था घूमने और सुरभि के साथ बाली भी गया था तो मुझे काफी सही डिस्काउंट मिल गया था इसमें। एक्चुअली मैं एक बार ट्राई करना है इसको डाउनलोड करके, पता नहीं इसमें रेफरल लिंक होता है नहीं होता है मुझे याद नहीं है, अगर होता है तो मैं शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन पे। अदरवाइज एल्स जस्ट ट्राई क्लूक, इंडिया में भी चलता है बाहर भी चलता है, बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं इनकी और डिस्काउंट मिल जाता है। अदरवाइज आप किसी टूरिस्ट एजेंट के पास जाओगे तो वो डिस्काउंट तो देगा नहीं। तो हम लोगों ने भी वहीं से टिकट बुक करा ली, अभी सुरभि रेडी हो रही है, मैं यहाँ खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ, गाड़ी वाड़ी में सामान सेट कर दिया है। और आज यार अगर बारिश नहीं हुई ना तो ड्रोन शॉट भी लूंगा होपफुली। ये जो हॉबिटन एरिया है ना जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे मौसम ठीक हुआ तो मैं ड्रोन उड़ा लूंगा, अगर बारिश हुई और ज्यादा तेज हवा चल रही होगी तो मेरा ड्रोन बेचारा बच्चा भी इधर उधर हो जाता है। एक दिन तो खो ही गया था भाई, माउंट एलबर्ट में मिलने नहीं गया, उसको 500 मीटर आगे जाके तब जाके सिग्नल आए, तो ये भी अलग पंगे हो जाते हैं कभी कभी ड्रोन के साथ। काफी लोग सोच रहे होंगे हॉबिटन है क्या। बेसिकली आप लोगों ने अगर हॉबिट मूवी देखी है या लॉर्ड ऑफ रिंग्स देखी है तो आपको पता होगा उसमें इसके सेट्स आते हैं और मेस्मराइजिंग सेट्स हैं। इनफैक्ट जब तक मैं इंडिया में था ना ये मेरी भाई टॉप हिट लिस्ट में था कि मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं जाऊँगा जरूर। तो यहाँ से ना अभी बज रहे हैं 10, हमको पहुँचना है 1 बजे। गूगल मैप कुछ ना 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, प्रॉब्ली हो सकता है हम उतरेंगे रुकेंगे कहीं, जैसे कि हम जहाँ उत्तराखंड जाते थे ना जगह जगह पे रुक जाते थे, लेकिन यहाँ पे गन्ने का जूस और वो छोले कुलचे और नारियल पानी और चाट वाट वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो भी है सीनरी थोड़ी सी एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि एक फीलिंग ना बड़ी अच्छी सी ये है कि हम भी पहली बार ऑकलैंड के बाहर निकल रहे हैं। अभी तक यार काम के सिलसिले में ऐसे फंसे पड़े थे, आज मैंने भी ऑफिस की छुट्टी ले रखी है, बस फ्री होके घूमेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है, कॉलेज का भी कोई पंगा नहीं है, तो आई एम श्योर कि ये ट्रिप हमारी अच्छी होनी चाहिए। चलो हमारे साथ घूमो यार थोड़ा आप भी, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैया घुमा दो थोड़ा सा दिखा दो, क्योंकि ज्ञान 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 बहुत ज्यादा हो रहा है। और एक्चुअली में मेरा भी फोर्टे ना ज्यादा ज्ञान का था नहीं, बट ऑफकोर्स जब मैं न्यूजीलैंड आ रहा था ना मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो मिल ही नहीं रहे थे जो बताते हो न्यूजीलैंड के बारे में, सब वाओ पिक्चर दिखाते हैं हमने आज ये किया वो किया। तो मेरे को भी लगा कि यार शायद यूट्यूब में ये इनिशिएटिव मेरे को ले लेना चाहिए कि कैसे हेल्प हो सकती है, अदरवाइज घूमना फिरना तो मेरा चलता ही है। आई होप आप लोगों को हेल्प मिल रही है मेरे व्लॉग से, और कुछ मेरे को DMs आ रहे हैं जो लोग आ चुके हैं यहाँ पे कि उनको हेल्प मिली है, तो आई एम ग्रेटफुल। पर्पस सॉल्व हो रहा है, मिशन स्टेटमेंट, हेल्प एवरीवन, लव एवरीवेयर। गाड़ी में बैठ जाते हैं अब। ये ना एक्चुअली मैं कल लेकर आया था नोएल लिविंग से। कोई भी स्टूडेंट जा रहा है ना अगर नोएल लिविंग से सामान लेने के लिए तो अपना ना स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखा देना, क्योंकि होता क्या है कि ना डिस्काउंट मिल जाता है कुछ $8-10 का। मेरे को ये $40 का पड़ा, इसका MRP $40 का था। बेल्किन का ये कार माउंट है, ये चाहिए होता है यार, यहाँ पे लगा दूंगा, सोच रहा हूँ यहाँ कहीं लगाता हूँ, यहाँ लगा दूंगा नीचे या इधर कहीं लगाता हूँ, हेल्प हो जाती है गूगल मैप में। पर पॉइंट ये बताना था कि स्टूडेंट का डिस्काउंट उठा लेना, 32 का मुझे ये पड़ा है, 2 साल की वारंटी है, इसका ग्लू ग्लू खराब हो जाएगा, चेंज कर देंगे। मटेरियल अच्छा लग रहा है क्योंकि बेल्किन जो है ना अच्छी ब्रांड है और ये एप्पल के साथ ना पार्टनरशिप में है, यहाँ पे काफी सारी चीजों को ऑथराइज करता है एप्पल जो बेल्किन बनाता है। लगा लेते हैं, देखते हैं इसको कैसा चलता है। ये चले फिर, चलो फिर। जय माता दी, जय माता दी, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ। चलो धूप आ गई, धूप आ गई भाई, धूप आ गई, देखो। थोड़ी धूप आ जाए ना तो ग्रीनरी बढ़ जाएगी। अभी हम आ गए वाइकाटो, वाइकाटो ही जा रहे हैं। ये सारे माउरी नेम्स है, वाइकाटो, रोटोरुआ, ताकानीनी, माता माता, ततरिंगी, ततरिंगी, सारे वही रूट्स हैं। तो बेसिकली रोटोरुआ जाते हुए पड़ता है माटा माटा पहले, नहीं माटा माटा से एक तरफ तोरंगा जाता है और एक तरफ रोटोरुआ जाता है। मैं चल रहा हूँ 100 पे, पता नहीं स्पीड क्या है यहाँ की, 100 ही दिखाई दी, मैं तो खुद 100 पे जा रहा हूँ, ये लोग तो भाई मेरे वगैरह है कि 120 पे भाग रहे हैं। ये बड़ी कंफ्यूजन है कि एक्चुअल स्पीड है क्या।
दोस्त है ना सुधाकर, इतनी ग्रीनरी देख के ना वो तो क्रेजी हो जाता है सीरियसली, उसको इतना पसंद है। बंदा नोएडा से उत्तराखंड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे होता ना सुधाकर तेरे को बड़े मजा आते हैं भाई, फुल ऑन ग्रीन है। सुधाकर तेरी गाड़ी भी जा रही है देख। बस सुधाकर ही नहीं है। पहला ब्रेक इतनी लंबी जर्नी में, लंबी तो क्या है छोटी सी, लेकिन चला ही रहे ना तब से, रुके ही नहीं है। यहाँ उतर गए, यहाँ पे जरा देखते हैं भाई, यहाँ पे शीप वीप दिख रही है बड़ी प्यारी प्यारी। ड्रोन उड़ा देता हूँ थोड़ा सा, बहुत देर से कीड़ा ना उछल रहा है, मेरे ड्रोन उड़ा लेता हूँ। जगह ही नहीं मिल रही थी, अब जगह मिल रही है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे को सारी शीप्स देख रही हैं? ये भी देख रही है, वो भी देख रही है, सब मुझे क्यों देख रहे हैं? इनके क्या कुछ नया हो गया क्या मामला भाई? सब देख रहे हैं मुझे यार, भागते पता नहीं आ जाएंगे मेरे पीछे। ड्रोन उड़ाता हूँ जल्दी से। मज़ा आ गया यहाँ पे तो, पता नहीं रुकना अलाउड भी है कि नहीं है, हमें तो आधे रूल्स पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। ड्रोन की तैयारी हो रही है और सारी ये मैं कर रही हैं, जैसे हमें डांट रही हैं। देखो ये कैसे देख रही हैं, हमें उधर मुड़ गई। ये भी देखे मूवी सेट में पहुंच गए भाई शायर्स कैफे। अब यहाँ पे लगा दी है गाड़ी, यहाँ पे अब जाएंगे वाउचर दिखाएंगे। रास्ता भाई एक नंबर, मजा आ गया। इतना सुंदर, इतना ग्रीन, इतना क्लियर, और थैंकफुली भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई, बारिश नहीं हुई आज, काले बादल नहीं छाए हुए, तो थोड़ा ग्लूमी ग्लूमी है। साफ हम लोगों को काफी साफ दिख रहा है, आप लोगों को भी वीडियो में काफी साफ दिख रहा होगा। अगर काले बादल होते हैं ना तो काला काला दिखता है, मजा नहीं आता उसमें। अब जाते हैं अपना वाउचर दिखाते हैं, बस जाएगी यहाँ से। कितनी देर में जाएगी बस? वैसे हमारा 110 का है टाइमिंग, तो अराउंड उसी टाइम जाती होगी, और 2 आवर्स का टोटल ड्यूरेशन है। टोटल ड्यूरेशन है हाँ। तो अब बस जाते हैं अपना वाउचर दिखाते हैं, बुकिंग वुकिंग करते हैं, वॉशरूम भी जाते हैं, बड़ी देर से वेट कर रहे थे, पता नहीं यहाँ वॉशरूम किधर होते हैं। चलो चले, एंट्री आ गई भाई, यहाँ से अब अंदर जाएंगे। मैडम लगी हुई है अपने फोटो वोटो खींचने में, वीडियो बनाने में। सही है, फुल ताम झाम है, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, इनको तो पहचानते ही होंगे आप। हेलो, once we hop in there can we just fly our drone, is that allowed? No drones are allowed. All right, okay. can we fly it here at this place? No, it's not even here, it's private property. All right, okay. No drones. All right, okay. No problem, thank you. Lo bhai drone to banai kar diya hai. ये है भाई वो मूवी सेट जहाँ पे हम जा रहे हैं। ये आपको पकड़ के रखना है क्योंकि आई थिंक वो जो गाइड करेंगे और या बताएंगे चीजें, तो फिर तो वन फॉर यू एंड वन फॉर मी। चलो बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। चलो चलो बाय। सो माय नेम इज मायरी एंड आई विल बी योर टूर गाइड टुडे एंड योर बस ड्राइवर हियर इज डेविड। एवरीवन से हाय टू डेविड। हाय डेविड। I'm very, very pleased that you're able to take the time.
इंस्ट्रक्शंस, चलो अंदर। हॉबिट की मूवी में भी था टॉयलेट? चलो पहुंच गए हम लोग सेट पे और फील बहुत ही सही है यार। एक्चुअली मैं जो मूवी से देखा था ना, काफ़ी कुछ कनेक्ट होता है यहाँ पे आते आते। ये है वो हॉबिटन सुरभि, तो बहुत ही इमोशनल और हैप्पी है। इमोशनल मतलब अच्छा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। नॉस्टैल्जिक कैसे हो सकता है, तुम पहले आए हुए हो? अरे मूवी से रिलेटेड ना। अच्छा, क्योंकि चाइल्डहुड मेमोरी, मतलब बहुत साल पहले देखा था वही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। और सो हियर इन हॉबिटन वी डू हैव सम सेफ्टी गाइडलाइंस एंड इन टू माय राइट योर लिस्ट वी आल्सो हैव एन इलेक्ट्रिक फेंस दैट गोस राइट अराउंड हॉबिटन एंड दैट इज टू कीप द शीप आउट। सो इफ यू डू वांट टू टच इट, इट विल हर्ट। But if you want to continue touching it, all you have to do is lick your hand and touch your friend. Give them the electric shock instead of you. ये मैडम को फॉलो करना है और ये सारा कुछ हमें बताएंगी। ये है हमारी टूर गाइड है, अच्छे पंचेस, अच्छी कॉमेडी कर रही है, मजा आ रहा है। भाई ये थे हॉबिट के घर, ये वाला पहला घर है, अंदर नहीं जा सकते। आई थिंक शायद कोई एक बाद में लेके जाएंगे वो, और मूवी में यही सारा था। भाई असली है, फूल वूल घर भी बड़ा प्यारा लग रहा है। एक्चुअली में ये बनाया हुआ इन्होंने घरों के अंदर, बैगेंस इन्हीं में रहते थे ना। ये दूसरा घर है और ये वाला देखो भाई खेत है, यहाँ पे सब्जियाँ उगा रखी हैं। और ये एक्चुअली में असली है ये सारा, दिस इज ऑल ओरिजिनल। वो एक घर है, वो एक घर है, कपड़े सूख रहे हैं, चिमनी से धुआं निकल रहा है। हालांकि अभी मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे कोई रह रहा होगा, बट पूरा गेटअप और फील देने के लिए इस हॉबिटन का इन्होंने इस तरह से किया हुआ है। घर वर तो ठीक है, हॉबिटन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे कमाल की बात मेरे दिमाग में तो ये आती है कि यार क्या इमेजिनेशन है, क्या एक्सप्लोर किया है बंदे ने, पीटर जैक्सन ने, न्यूजीलैंड के इस कोने में जो कि हमें खुद लग रहा है कि इतनी दूर आ गए हम अलग से कट के, वहाँ पे उसने ऐसी साइट ढूंढी है। कमाल है यार, बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली कैमरे में भी जस्टिफाई नहीं हो सकता, अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ क्या है। प्लस यू हैव टू वॉच द मूवी आई थिंक, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे, वरना तो समझ ही नहीं आएगा किधर आए हैं। फॉर सेल व्हील बैरो, गुड कंडीशन, स्पेड फॉर, उस टाइम की एडवर्टीजमेंट दिखा रखी है, कितना प्यारा लग रहा है। पूरा ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करी है। And have a small door that makes you look larger than you actually are. We also have a name for that, and we like to call it false perspective, because you'll never see these two doors in the exact same scene. If they were in the same scene, they would ruin the image. अब ये जो ये वाला हॉबिट का ये वाला जो घर है ना, हॉबिट होल, इसकी एक बड़ी खास बात है। ये सबसे पहला घर है इस हॉबिटन का, और अभी जो टूर गाइड है उसने ये बताया है, ये जो येलो डोर है ये ह्यूमन साइंस साइंटिफिकली इस तरह से बनाया गया है कि अगर इसके आगे कोई खड़ा होगा मूवी सेट्स पे, या कोई नॉर्मल हाइट का बंदा या यहाँ बैठेगा, वो लोग कैमरा से इस तरह से इसको शो करते थे दैट नॉर्मल पर्सन यूज टू लुक लाइक हॉबिट। तो इसकी कुछ डायमेंशन इन्होंने इस तरह से बनाई है। और ये वाला गेट और एक ब्लू डोर का गेट और है जो कि 60% छोटा है इससे, वो थोड़े छोटे हाइट वालों के लिए है। तो वो वाला जो गेट है, वो गेट और ये येलो गेट कभी भी किसी भी सीन में साथ में नहीं आए, अदरवाइज रिवील हो जाता और पूरा का पूरा सीन खराब हो जाता। तो ये भी बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, साइंस लगा रखी है हॉबिट के उस पर यार इन्होंने, गजब है। ये है वो ब्लू डोर जिसके बारे में बात करी, ये और ये कभी भी साथ में नहीं आया किसी सीन में, छोटा है साइज में। फुल गेटअप है यहाँ पे, टेबल शेबल बनाई हुई है, सब कुछ बनाया हुआ है। एक्चुअली हमारे साथ ना पूरा ग्रुप है, तो कुछ कितने लोग हैं हमारे साथ? होंगे 30 तक तो आई थिंक, 30 के करीब लोग हैं। तो ये ग्रुप टूर है, एक पूरी फुल बस। सबसे कॉमन वैसे यही है, इसी में ही लोग जाते हैं ज्यादातर। हाँ, मूवी सेट टूर्स में। अब यहाँ से वॉक करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्चुअल में वो घर है मेन जहाँ पे शूटिंग हुई है उस साइड पे, ये वाला। पर ये सारा बहुत ही सुंदर है यार, एप्पल लगे हुए हैं यहाँ तो, मस्त एप्पल लगे हुए हैं। उत्तरकाशी की याद आ गई, उत्तरकाशी वाली वीडियो में देखे थे एप्पल्स थे बहुत सारे, पियर भी लगे हुए हैं, वाह यार वाह वाह वाह। ये छोटा है, ये एक्चुअली छोटी हाइट वाला, ये इसमें डोर भी छोटा है, चेयर भी छोटी है भाई। असली है क्या? असली है ये यार, सही है यार, बढ़िया लग रहा है, फ्लावर्स भी एकदम प्यारे प्यारे। चढ़ाई हो गई थोड़ी सी, जैकेट उतार दी मैंने तो, गर्मी लग रही है, लेकिन अगेन वही बात, मज़ा बहुत आ रहा है। Drink bottles and then drink. Bread factory.
बेकरी है यार ये तो, यहाँ लोग रह रहे हैं तुम्हें पता है, देखो कपड़े सूख रहे हैं इनके, नहीं रह रहे यार मजाक है, ये सब सेट्स का तामझाम है और इन लोगों ने 2 हफ्ते तक ये कपड़े वपड़े लगाए हैं मूवी के शॉट्स में, ऐसा बता रहे थे। बियर बैरल, ये बियर बैरल है। इतना माइन्यूटली इन लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है ना सारा, एक एक चीज़ किताब, अब देखो अगर लेटर बॉक्स सारे, पंपकिन नकली, फ्लावर सारे असली, इतना माइन्यूटली इसको कर रखा है इन लोगों ने, ऑसम। चिट्ठी तो नहीं आई, खाली पड़ा है। अब जिस जिसने भी हॉबिट देखी है या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी हुई है तो उसमें देखा होगा बिल्बो बैगिंस होता है, उसका घर है ये वाला। ये वाला जो घर है ये बिल्बो बैगिंस का है, मूवी के शॉर्ट्स पे भी दिखेगा। अब इसमें खास बात क्या है, कोई भी हॉबिट है किसी भी गांव में, वो सबसे अमीर तब होता था जब वो सबसे ज़्यादा टॉप पे रहता था। अब जैसे ये हिल है, यहाँ पे नीचे भी घर थे, हम यूं यूं होकर आए हैं, अभी नीचे हैं, इस साइड पे भी हैं, तो वो यहाँ पे रहता था, तो सबसे टॉप पे जो रहता है वो सबसे अमीर होता है। और जिस भी हॉबिट के घर में सबसे ज़्यादा खिड़कियाँ होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5 और पूरी इस तरह से 12 बताई हैं, तो 12 खिड़कियाँ हैं इसके घर पे, दैट मीन्स ही इज़ द रिचेस्ट। सो कोई भी अगर पूछता है कि भाई सबसे अमीर हॉबिट कौन है, तो सबसे अमीर हॉबिट जो है वो बिल्बो बैगिंस ही है। और ये पेड़ देखो, ये वाला पेड़ कितना प्यारा है यार, ये वाला और ये वाला दोबारा देख लो ध्यान से, ये वाला पेड़ जो है ना ये कम्प्लीटली नेचुरल है, असली है ये वाला पेड़। और ये वाला जो पेड़ है ये पीटर जैक्सन ने नकली बनवाया है, स्पेशली इस सिलिकन का बना हुआ है और इसमें 2.5 लाख पत्तियों पर उसने पेंट करवाया था स्पेशली। कमाल फैक्ट्स हैं भाई, इतनी मेहनत इतने सेट पे होती है पता ही नहीं है, गजब बनाया राइड तो ऐसा लग रहा है देख के कि बिल्कुल असली पेड़ है, लेकिन राइड ने बताया हमें कि भैया ये नकली है, असली नहीं है। ठीक है इंस्टा के लिए वीडियो भी बनानी है, ठीक है चलो स्टार्ट, वेट स्टार्ट। अब जा रहे हैं ग्रीन ड्रैगन पब, क्योंकि ये थे सेट्स, देख ही लिए लोगों ने, सबने देख लिया, अब इसके बाद वहाँ पे सारे एक्यूमुलेट होंगे और वहाँ पर ड्रिंक्स फ्री हैं, तो पहली ड्रिंक फ्री है, उसके बाद परचेज के देख लेते हैं ड्रिंक्स क्या है। आई थिंक सो, हाँ क्योंकि यही लोग मिलते थे, आई गया दिखा देता हूँ, साइडर पीऊँगा यार मैं तो, मैंने साइडर नहीं पिया इनका अभी तक। हाँ, मैं भी टेस्ट कर लूँगी। ये मूवी में भी था ब्रिज, राइट जाओगे तो हॉबिटर आ जाएगा लेफ्ट, ग्रीन ड्रैगन पब। यहाँ से अंदर जाओगे ये मिल है भाई, हॉबिटन की मिल चल रही है भाई, पूरा पानी गिर रहा है इस पे और इसका पहिया घूम रहा है। ये अंकल को याद आ गई अपने जमाने की, नॉस्टैल्जिक हो गया। मिल चल रही है पूरी। चलो जी हम आ गए ग्रीन ड्रैगन पब। We'll go with one stout. One stout? Yeah, and one apple cider. Apple cider? Yeah, तीन rings free हैं, तीन में से एक एक choose करनी है सबने। That's a stout. Okay. Thank you very much. मैंने लिया है stout, Surbhi ने लिया है apple cider. एक एक ड्रिंक पकड़ ली है, अब खाने का देखते हैं। वैसे एक ही ड्रिंक फ्री है, दूसरी आपको खरीदनी पड़ेगी।
अब यार मुझे तो पसंद नहीं आई स्टाउट बियर। मैंने वैसे भी यहाँ पे न्यूजीलैंड में आके नहीं पी थी कभी, लेकिन बेकार ही लगी, मैंने तो आधी छोड़ी थी। साइडर बड़ा टेस्टी है यार, वो तो बिल्कुल ही जैसे हैप्पी फिस होता है ना, आई थिंक उसी का ही अल्कोहलिक वर्जन है, बट अच्छा है, साइडर टेस्टी था। अब यहाँ से निकलेंगे वापस अपने शायर्स कैफ़े की तरफ और वहाँ से रवानगी होगी घर की तरफ, चलते हैं आगे। ये वाला जो घर है ना, जो कि एक्चुअली घर नहीं है सॉरी मिल है, ये वाला पता नहीं इसमें कुछ बात है, यहाँ पे आके इतना सुंदर लग रहा है ना, जूम करके दिखाता हूँ। सारे लोग यहाँ पे रुक के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं था फ़ोटो खिंचवाने का, वीडियो बनती थी इसके लिए। ये बहुत ही सही सीन है यार, फील आ गई। बाय हॉबिटन, दोबारा मिलेंगे, मज़ा आया, बाय। तो जी वक्त आ गया घर जाने का और हम लोग अब बस बोर्ड करेंगे और जाएंगे गाड़ी की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, बाय। था वो जो वहाँ पड़ा हुआ था, मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा था, ये लोग इसको पाइप ही बोलते हैं। पाइप तो मुझे भी पता है, पाइप है। अच्छा जी ठीक है, बिल्बो का है ये।